हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन की प्री डिफाइंड फंक्शंस की नॉलेज लेने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन की। और पाइथन में हम रिवर्स जो मेथड होता है, रिवर्स जो फंक्शन होता है, उसके बारे में जानेंगे। यहां पर देख सकते हैं बुक्स नाम से यहां पे मैंने बनाया है। और यहां पर बुक्स में क्या क्या स्टोर कराया है, सी प्रोग्रामिंग स्टोर कराया है, जावा स्टोर कराया है, पाइथन स्टोर कराया है। आप और भी चीज़ें ले सकते हैं और फिर रिवर्स फंक्शन का यूज़ किया। अब इसका यूज़ क्या है आइए समझते हैं। यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं और रन मॉड्यूल पे जाते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं, अभी हमने इसको सेव नहीं किया, तो REV के नाम से इसको मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पर लिखता हूँ REV.py लगाना ज़रूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ये हो गया, अब ये प्रोग्राम रन हो गया है। आप देख सकते हैं पहले पाइथन प्रिंट होकर आ रहा है, फिर आ रहा है जावा और फिर आ रहा है सी प्रोग्रामिंग। तो अभी हमने जो लिखा और ये जो आउटपुट आया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए। यहाँ पे पहले सी प्रोग्रामिंग था, फिर जावा था, फिर पाइथन था। लेकिन पहले पाइथन आ गया, फिर आ गया जावा, तब सी प्रोग्रामिंग आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक और कोई पढ़ा देता हूँ बुक का नेम, लाइक यहाँ पे कर देते हैं हम विजुअल बेसिक या VBA कर देते हैं, VBA कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर दिया और फिर एक बार और इसको रन करवाते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंजिंग होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले VBA आया है, फिर पाइथन आया है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप कितना भी इसमें पढ़ाइए, अब जैसे क्या कोई नंबर भी ले सकते हैं हम इसमें। आइए एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 56। तो ये 56 एक नंबर है और इसको भी हम लिख लेते हैं सिंगुलेटेड कॉमा में, ठीक है, क्योंकि सिंगुलेटेड कॉमा ही यूज़ किया है मैंने, सिंगुलेटेड कॉमा यूज़ कर लेता हूँ। अब एक बार इसको रन करवाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, ये प्रिंट करके देता है या नहीं। तो देखिए 56 पहले आया हुआ है, फिर VBA आया हुआ है, फिर पाइथन आया हुआ है, जावा आया हुआ है, सी प्रोग्रामिंग आया हुआ है। तो इस तरीके से आप रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।